राम राम दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा हमने डिसाइड किया था कि 15 मार्च से लेकर 20 मार्च हमें अपनी पोर्टफोलियो के साथ क्या करना है, आज हम इस वीडियो में तय करेंगे। इसके साथ साथ ही मैंने आप सबको आज से 5 डेज पहले बताया था कि जो बड़े बड़े प्लेयर हैं, जो बड़े बड़े वेल हैं, वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं NSDL का। मैंने आप सबको बकायदा चार्ट भी दिखाया था। एंड आज के टाइम पे बिटकॉइन का प्राइस आप देख सकते हैं $61,000 के आसपास चल रहा है। इम्पॉर्टेंट इस वीडियो में ये है दोस्तों कि हिस्ट्री जो है वो हमारी रिपीट नहीं हुई है, एंड क्या गारंटी इस बात की कि हिस्ट्री जो है वो रिपीट होगी एंड 2025 में बुल मार्केट देखने को मिलेगा। इससे अबाउट आप सबको वीडियो में डिटेल के साथ आने वाले टाइम में दूंगा। बट ये इंपॉर्टेंट वक्त इसलिए है, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी इसलिए है कि जैसे जैसे बिटकॉइन डाउन में आता जाएगा, यहां पर हमें DCA डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करनी है। कैसे? मैंने आप सबको कल की वीडियो में, टॉप 10 वीडियो में ये बताया था कि आपको 25% आपका जो पोर्टफोलियो है उसको किन किन प्राइस पर बाई करना है। आई होप आप सबका बाइंग ऑर्डर फील हो चुका हो। सेकेंड एंट्री जो है, मैंने आप सबको जैसे लाइक बताया था मैटिक में, एंड बहुत से ऐसे क्रिप्टो हैं जिनके बारे में बताया था, उनमें से 50% सेकेंड ऑर्डर भी हमारा फील हो चुका है। थर्ड एंड फोर्थ एंट्री मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी अचीव होगा, बट यहां पर जैसे ही बिटकॉइन अपना 60K का सपोर्ट ब्रेक करता है, बिटकॉइन 50K की जोन में आता है, जो हमारी थर्ड एंट्री है, मैं आप सबको टेलीग्राम या वीडियो बनाकर दे दूंगा। आज के टाइम पे आप सबसे ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होनी चाहिए। इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि इस 2024 लास्ट तक हमें ऐसे बहुत से क्रिप्टो हैं जिनमें प्रॉफिट भी बुक करना होगा, क्योंकि ये वो टाइम है, ये वो वक्त है जो कोई नहीं जानता कि क्रिप्टो की दिशा और दशा कैसी होगी आने वाले टाइम में। इसलिए हमें जो भी कदम रखने हैं वो बस फूंक फूंक कर रखने। फिलहाल के लिए आप लोगों को किसी भी प्रोजेक्ट से अबाउट या किसी भी मार्केट में क्या चल रहा है, क्या देखने को मिल सकता है, कोई भी कंफ्यूजन आपके मन में हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। एंड मैं आप सबको ट्राई करता हूं अपने लेवल से कि आप सबको डेली वीडियो देने की कोशिश करूं। एंड क्रिप्टो में जो चीजें मैं कर रहा हूं, जो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है 5 से 6 सालों का, वो मैं आप सबसे शेयर करता हूं। फिलहाल के लिए आज के टाइम पे आपको पेशेंस बनाकर रखना है। मैंने आप सबको बताया था ये डिप देखने को मिलेगा, एंड 100% मैं यहां पर श्योर हूं कि जो ये डिप आज के टाइम पे आप देख रहे हैं, इससे भी बड़ी डिप हमें देखने को मिलनी ही चाहिए। क्योंकि मैंने आप सबको प्रीवियस वीडियो में ये बताया था कि जो करेक्शन हमने देखा था 14% का बिटकॉइन में, जब बिटकॉइन का प्राइस जो है वो लगभग 69K से 59K के आसपास आ गया, करीबन $10,000 का डंप, वो लगभग 14% का डंप था। फिर हमने देखा 73K डॉलर के आसपास बिटकॉइन का प्राइस गया, एंड एक डंप 65K के आसपास देखा, वो करीबन 10% का डंप था। बट मैंने आप सबको प्रीवियस वीडियो में बताया था कम से कम बिटकॉइन जो अपना ATS लगाएगा वहां से लेकर 20 से 25% का करेक्शन तो मांगता है, क्योंकि जब 20 से 25% एक बड़ा करेक्शन आता है तो वहां पर जो लॉन्ग जो शॉर्ट किए रहते हैं वहां पर वो लिक्विडेट होते हैं, एंड जब तक लिक्विडेट नहीं होंगे एक्सचेंज बेल पैसा कैसे कमाएंगे। गाइज, इंपॉर्टेंट यहां पर ये कि आप धीरे धीरे बाइंग करते चलो, एंड आपके पास उतना पैसा होना चाहिए यदि बिटकॉइन यहां से 40,000 या 50,000, मुझे तो नहीं लगता 40,000 के आसपास बिटकॉइन जाएगा, बट अगर जाता है तो भी आपके पास फंड होना चाहिए उन क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो आपके पास आज के टाइम पे होल्ड है। लाइक मैंने आप सबको प्रीवियस वीडियो में बताया कि किन किन क्रिप्टो में आपको DCA करना है। बिटकॉइन में आपकी SIP कंटिन्यू रहनी चाहिए, आप जिस भी डेट को SIP करते हैं बिटकॉइन इथेरियम में, उन सब में रहनी चाहिए। आज के टाइम पे नियर प्रोटोकॉल मैटिक, अगर आप चाहते हैं 2024 लास्ट तक नियर को होल्ड करना, मैटिक को होल्ड करना, तो ये वक्त है। आप अपनी पोर्टफोलियो का कुछ परसेंट ऐसी कॉइन में इन्वेस्टमेंट करो जो फंडामेंटल स्ट्रांग है। मैंने आप सबको न्यू प्रोजेक्ट भी बताए हैं, जैसे XAI, मांटा। आज के टाइम पे मांटा 2.7 के आसपास चल रहा है। मैं मांटा में अपना बैग, ऐसा आप समझिए कि मैं अपना बैग फुल कर रहा हूँ, क्योंकि मांटा मुझे ऐसा लगता है जैसे 2021 में डॉट था। डॉट जब $2, $3 के आसपास चल रहा था, कोई भी वहां पर ये बंदा नहीं बोल रहा था कि डॉट में डॉट जो है वो $50 जाएगा, $40 जाएगा, एंड लोग वहां पर बोर हो रहे थे। आज के टाइम पे मांटा भी ऐसा ही चल रहा है कहीं कहीं, जो जैसे डॉट चलता था, एंड आई होप डॉट जो है वो $40 to $50, जो मेरा ओपिनियन है, क्योंकि आज के टाइम पे मांटा की जो आप मार्केट कैप देखेंगे वो 1 बिलियन से कम है, एंड मांटा का जो पोटेंशियल वो कम से कम, मैं बात करूं मिनिमम, तो वो 10 बिलियन की मार्केट कैप रखता है, जहां आज के टाइम पे आपको मैटिक देखने को मिलेगा। सो गाइस, मांटा में मैं अपनी एंट्री ले रहा हूँ 0.7, एंड इससे भी डाउन आएगा तो मैं मांटा में DCA करूंगा। फिलहाल के लिए आपको किसी भी क्रिप्टो से अबाउट या मार्केट से अबाउट यदि आपको
चाहिए कि हाल्विंग में हमें क्या देखने को मिल सकता है, एंड सबसे इम्पोर्टेंट कि 15 से लेकर 20 मार्च जो हमने डिसाइड किया था वो डिसाइड आज के टाइम पे आपको डीसीए करते हुए चलना है। एंड आज के टाइम पे आपको कोई भी क्रिप्टो पैनिक में आकर सेल नहीं करना है। याद रखिएगा, यदि आप बार बार क्रिप्टो को बाय करते हैं, बार बार उसे सेल करते हैं, बार बार आप किसी अदर प्रोजेक्ट में अपना इन्वेस्टमेंट करते जाते हैं, लाइक आपने मांटा बाय किया, फिर आपने मांटा को सेल करके वही पैसा जो है मैटिक में लगा दिया, फिर उसके बाद आपको लग रहा है कि मैटिक भी नहीं जा रहा है, मैटिक से सेल करके आपने डॉट में लगा दिया, ऐसे करते करते आपका पोर्टफोलियो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए पेशेंस बनाकर रखो, जिस भी क्रिप्टो में आपका इन्वेस्टमेंट है उसे होल्ड करके रखो, क्योंकि ये जो आपने अभी मिनी बुल रन देखा है ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। क्योंकि आप सबको ये याद रखना चाहिए दोस्तों कि बिटकॉइन आपको मिलीनियर बना सकता है, तो ऑल्टकॉइन आपको बिलीनियर बना सकते हैं। बस आपको प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए और आप अपनी तरीके से एक स्ट्रेटेजी तैयार करो। यदि आपको 5x आपका पोर्टफोलियो हो रहा है तो वहां पर आप 50% आप प्रॉफिट बुक करो, 10x आपका पोर्टफोलियो हो रहा है तो वहां पर आप 25%, इस तरीके से, जिससे मैंने आप सबको बताया कि किस तरीके से आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है। फिलहाल के लिए गाइज, आज के टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग जो हम बात कर रहे थे कि मार्केट में हमें डिप देखने को मिलेगा, एंड जिस फंड का हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि ये फंड हम कब इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो वक्त आ चुका है जब हम वो फंड इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो भी पार्ट में। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो मार्केट से अबाउट, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।